मुझे पता है दोस्त, तुम्हारा भी दिमाग बहुत खराब है, कुछ करने का मन नहीं है, पूरा स्ट्रेस फ्रस्ट्रेशन दिमाग में भरा पड़ा है, लेकिन पीछे रीजन कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि कुछ तुम्हारे साथ कुछ कांड हुआ है या फिर कुछ इंसिडेंट हुआ है इसकी वजह से तुम्हारा दिमाग खराब है। नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन फिर भी सारा दिमाग खराब पड़ा है। हम मोबाइल पर सारे दिन बैठे रहते हैं, बस ऐसे ही सोचते रहते हैं, फालतू में क्या सोच रहे हैं वो भी हमें पता नहीं, क्या हो रहा है हमारे साथ हमें कुछ पता नहीं चल रहा है, बस हमें ऐसे ही मुंह लटका के बैठ जाते हैं या फिर सोचते रहते हैं कि भाई क्या कर रहा हूँ मैं, अब मैं क्या करूँ। बस वो टेंशन, वो फ्रस्ट्रेशन, वो स्ट्रेस अपने दिमाग में चलता रहता है, लेकिन हमें पता नहीं कि वो किस वजह से या फिर उसके पीछे क्या कारण है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, वो हमें पता ही नहीं कि भाई पीछे रीजन क्या है, बस हम सोचते ही रहते हैं। तो भाई ये तुम्हारी अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, ये सबके साथ होता है, ये मेरे साथ होता है, ये तुम्हारे साथ होता है, ये सबके साथ होता है कि भाई बिना कोई प्रॉब्लम, बिना कोई टेंशन के भी हम टेंशन में बैठ जाते हैं, हमारा दिमाग ऐसे फ्रस्ट्रेशन में या फिर स्ट्रेस में भरा पड़ा है कि भाई चल क्या रहा है, मैं कर क्या रहा हूँ, इतना ज़्यादा स्ट्रेस ओवर थिंकिंग हम करते रहते हैं। तो हीरोज डोंट वेरी, मुझे पता है कि आप अपने गोल पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, आपने अपना गोल एक सेट किया है, आप उसके ऊपर डेडिकेटेड भी हो, आपको पता है कि आपको वही अपना लक्ष्य या फिर अपने गोल को हासिल करना है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, लेकिन फिर भी हम उसके ऊपर फोकस नहीं कर पाते। कोई कारण पीछे नहीं है, लेकिन हम उसके ऊपर फोकस ही नहीं कर पाते, और उसकी वजह से हम सारा दिन सोचते रहते हैं कि भाई क्या हो रहा है मेरे साथ, सारा दिन ओवर थिंकिंग चलती रहती है अपने दिमाग में कि भाई क्या होगा मेरा, क्या होगा, कुछ नया करने से डर लगता है, एक अजीब सा डर रहता है या फिर एक अजीब सी फीलिंग अपने अंदर दिमाग में चलती रहती है, वो हो रहा है अभी हमारे साथ। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने गोल को लेके सीरियस नहीं है या फिर हमको सक्सेसफुल नहीं बनना या फिर अपने ड्रीम को हासिल नहीं करना है, ये नहीं है, हमको अपने ड्रीम को हासिल करना है, हमको सक्सेसफुल बनना है, लेकिन वो पर्टिकुलर वो सिचुएशन, वो टाइम पीरियड होता है जहाँ हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, हम सिर्फ सोचते रहते हैं, सिर्फ सोचते रहते हैं कि हम अपने गोल पर फोकस कैसे करें। तो हीरोज आज हम इसी चीज पे बात करने वाले हैं, या फिर आपकी वो ही प्रॉब्लम जो मुझे दिख रही है, आप बस इंस्टाग्राम पे रील देखते रहते हो, यूट्यूब पे वीडियो देखते रहते हो ताकि आपका दिमाग शांत हो जाए, आप थोड़े खुश हो जाए या फिर वो टेंशन साइड हो जाए, लेकिन नहीं, जितना टाइम हम ज़्यादा स्पेंड करते हैं सोशल मीडिया पे, जितना टाइम हम ज़्यादा यूट्यूब के वीडियोस देखते हैं, उतना ही ज़्यादा वो फीलिंग गिल्टीनेस हमारे दिमाग में चलती रहती है। तो अब क्या करें हीरोज, कैसे अपने गोल पे, कैसे अपने लक्ष्य पे फोकस करें, ये जो फीलिंग है इससे कैसे बाहर निकले। तो आपको क्या करना है कि भाई अभी आपको पता है कि भाई हम सारा दिन मोटिवेशन नहीं देखते या फिर 24/7 हम मोटिवेट नहीं रह सकते, ये आपको अच्छी तरह से पता है। एक ऐसी टाइम आती है जहाँ मतलब डीमोटिवेट हो जाते हैं, कोई पीछे रीज़न नहीं होता कि भाई हाँ ऐसा ही मेरे साथ कुछ हुआ है उसके कारण हम डीमोटिवेट हुए, नहीं कोई रीज़न पीछे नहीं, लेकिन हम डीमोटिवेट रहते हैं, अजीब सी थिंकिंग चलती रहती है, अजीब सी फीलिंग होती है, वो किसी से बात करने का मन नहीं होता है, बस अकेले रहने दो हमें, वो फीलिंग, उस फीलिंग से बाहर कैसे निकले, उस मोमेंट से बाहर कैसे निकले, फिर से अपने गोल पे, फिर से अपने काम पे फोकस कैसे करें। तो हीरोज आपको करना क्या है कि तो पहला काम, अपना मोबाइल साइड रख लो, किसी के भी वीडियोस मत देखो, ना ही कोई मोटिवेशन, किसी के भी वीडियोस मत देखो, ना ही इंस्टाग्राम पे जाके रील्स देखो, कुछ भी नहीं, बस आराम से जाके कहीं बैठो और सोचो कि भाई मैं कर क्या रहा हूँ। मुझे पता है कि भाई मेरा एक गोल है, मेरा एक लक्ष्य है, मेरा एक रास्ता है, और मुझे पता है कि मुझे उस रास्ते पे चलना है, तो भाई मैं कर क्या रहा हूँ, अभी मेरे साथ क्या चल रहा है ये दिमाग में। एक बात करो, मिरर टू मिरर टॉक टू योरसेल्फ, और जब आप खुद से बात करना सीख जाओगे यार, तो आपकी सभी प्रॉब्लम साइड हो जाएगी, सभी प्रॉब्लम आपकी साइड हो जाएगी। और क्या चाहिए तुम्हें, तो ऐसा तो है नहीं कोई गोल्डन की मैं आपको दूंगा और आपका ताला खुल जाएगा, नहीं हीरोज, आपकी चाबी भी आपके पास है, आपका लॉक भी आपके ही पास है, तो आप चाबी बाहर निकालो, ताले में डालो और अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलो। तो थोड़ी सी टाइम खुद के साथ स्पेंड करो, क्वेश्चन योरसेल्फ कि भाई क्या चल रहा है मेरे साथ, मैं क्यों टेंशन में हूँ, भाई मैं जिंदा हूँ, कुछ नहीं हुआ है, इट्स ओके, चलो फेल हुए तो क्या, फिर से ट्राई करेंगे, बैठ नहीं जाएंगे, मर नहीं जाएंगे, तो ट्राई तो जरूर हम करेंगे, तो वो करो, तो खुद के साथ टाइम थोड़ा स्पेंड करो, सभी प्रॉब्लम साइड हो जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और अगर आप ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हो इस चैनल से, तो सब्सक्राइब द चैनल, अब आपको फोर्स नहीं कराओगे भाई लाइक कमेंट करो या फिर शेयर करो, नहीं, अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने हैं तो जाके सब्सक्राइब करो, अगर नहीं करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको लगा कि भाई हाँ मेरा प्रॉब्लम का सोल्यूशन मुझे मिल गया, तो एक कमेंट जाके जरूर कर देना, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दैट्स इट, जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, जय हिंद, जय जवान।